देखें जी व्यूअर्स, आज पिंडी का मौसम बहुत ही प्यारा है। और ये देखें, आज हमने बनाए हैं बहुत ही मजेदार लाजवाब अपने पंजाबी ट्रेडिशनल गुलगुले। बहुत ही मजेदार और लाजवाब ये तैयार हुए हैं। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मजेदार और लाजवाब हमारी आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और हमारी देसी पंजाबी रेसिपी गुलगुले। हमारे पंजाब में जब भी बारिश का मौसम होता है तो अगर घर वालों का चटपटे का मूड हो तो पकोड़ों की फरमाइश होती है, और अगर किसी का मीठे का मूड हो तो गुलगुले की फरमाइश होती है। तो आज पिंडी में मौसम बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है, और मेरे घर वालों की फरमाइश है कि मैं गुलगुले तैयार करूँ, तो मैंने सोचा मैंने अपने व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल ट्रेडिशनल रेसिपी है गुलगुले, और आपको पता है हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज बहुत हेल्दी भी होती हैं। तो इसके लिए मैंने हेल्दी चक्की का आटा लिया है 2 कप। ये देखें, ये वाला कप मैंने नापा, नॉर्मल जो घर में चाय का कप होता है, क्योंकि ये खालिस गंदुम का आटा, इसमें चोकर वगैरह सब कुछ शामिल है, तो मैं इसमें 1 कप ये मैदे का शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास थैले वाला आटा है, खालिस आटा नहीं है, तो आप 3 कप आटा ही शामिल कर सकते हैं। 1 कप चीनी में 1 कप पानी डाल के चूल्हे पे मैंने इसको गर्म किया, जब चीनी मेल्ट होने तक इसको मैंने पकाया और इसको ठंडा कर लिया। 3 टेबलस्पून मेरे पास दही के है, दही की जगह आप 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, 1 अंडा या 3 टेबलस्पून दही, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया और 2 चुटकी ही मैंने नमक ले लिया है। ठीक है, ये चीजें हम इसमें ऐड कर लेंगे, साथ ही हम ये इसमें दही भी डाल देंगे। और अब हम ये इसमें शीरा ऐड करते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। बहुत बिल्कुल पतला भी हमने नहीं घोलना और ना ही हमने इसको आटे की तरह सख्त गूंदना है। ये देखें, 1 कप मैंने शामिल करके इसको पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप चीनी और 1 कप पानी था, तो उस हिसाब से 2 कप शीरा हमारा तैयार हुआ है। तो ये देखें, 1 मैंने शामिल कर लिया है, बाकी का भी हम शीरा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी नोट करें कि कितनी है। ये देखें, यही हमें इसकी यही थिकनेस चाहिए। इसे अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। व्यूअर्स, इसे आधा घंटा हो गया, तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह फेंट फेंट के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये क्योंकि गाढ़ा है तो इससे ज्यादा अच्छा हो रहा है। आप किसी भी चम्मच से अच्छी तरह इसको यूं फेंट लें, इससे हमारे जो गुलगुले हैं वो ज्यादा फ्लफी तैयार होंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह फेंटा है, तो आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। यस, ये कढ़ाई में मैंने ऑयल चूल्हे पे रख दिया है। ऑयल को हमने बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना, गर्म होते मैंने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया, और यूं हाथ से हम इसके यूं गोल गोल गुलगुले डालेंगे। अगर आपके गुलगुले गोल गोल तैयार नहीं हो रहे तो आप हाथ गीला कर सकते हैं। देखिए, एक प्याली में मैंने अपने पास पानी रख लिया है, हम इसमें हाथ डिप कर करके तो हाथ से जब ये उठाएंगे तो ये एकदम हमारे गोल गोल गुलगुले तैयार होंगे। बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि ये ऑयल ज्यादा गर्म नहीं है, फिर भी ये एकदम से सुर्ख हो रहे हैं। मीठी चीज जल्दी गोल्डन होती है, तो इसलिए ये देखें जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल इनको एहतियात से लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड भी चेंज करते रहना है, क्योंकि ये हमने इनको बहुत ज्यादा बीट किया, तो ये देखें बहुत बहुत ही लाइट हो गए हैं, तो ये ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं। इनको फ्राई करते हुए जरा हिलाना पड़ेगा, बस इनका प्रॉपर कलर आ गया, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारे मजेदार से गुलगुले तैयार हैं,
बारिश के मौसम में ये चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। देखें किधर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही लाजवाब ये तैयार हुए हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।